नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया चैनल पर। आज बात करने वाले हैं भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा कांग्रेस का पुतला फूंका गया है, इस संदर्भ में क्या कारण रहा है पुतला फूंकने का, इस विषय पर बात कर रहे हैं। आज धामपुर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का संयुक्त रूप से पुतला फूंका गया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री रश्मि रावल जी, साथ में अनीता चौहान जी, रेणु गोयल जी और कई भाजपा महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। क्या उनका कहना है, किस संदर्भ में उनका विरोध है, आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक विशेष रिपोर्ट। आप देख सकते हैं मेरे साथ है भाजपा महिला मोर्चा की टीम और जो अभी कांग्रेस का, आइए उनसे बात करते हैं किस संदर्भ में पुतला फूंक रहे हैं और क्या समस्या है। भाजपा की प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा विनती, आइए बात करते हैं किस संदर्भ में ये पुतला फूंक रहे हैं और क्या समस्या है। हमारा जो कांग्रेस विरोध है इस बात को लेकर जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उस महिला दिवस पर हरियाणा में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के हुड्डा जी, उन्होंने महिला का अपमान किया और अपमानित इतनी बुरी तरह से किया है, उससे हम पूरा महिला मोर्चा पूरा जो आधी आबादी देश की नारी का अपमान नहीं